AK-47 लेके आप लोग खड़े हैं ना, और ये दूरबीन लगा के जो खड़े हैं, मतलब नहीं समझ में आया आपको? नहीं सर। तो आप छोड़ दिए पत्रकार का। नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। 10 जून को हुए हिंसा को लेकर जहां राज्य सरकार गंभीर है, तो वहीं राजभवन भी डीजीपी, एडीजी, डीसी और एसएसपी को तलब किया। राज्यपाल रमेश बैस ने जानकारी ली कि आखिर इस तरीके की परिस्थिति शहर में कैसे उत्पन्न हो गई, इसके साथ ही पुलिस पहले से क्या व्यवस्था कर रखी थी। इतना ही नहीं, राज्यपाल रमेश बैस ने यह भी कहा है कि 10 जून को जो हिंसा हुई और इस हिंसा में जो द्रवीर शामिल थे उनका फोटो बनाया जाए और चौक चौराहों पर लगाया जाए। तो एक दूसरी तरफ सीएम हेमंत सोरेन रक्तदान कार्यक्रम में पहुंचते हैं और मीडिया जब उनसे सवाल करती है कि राज्यपाल रमेश बैस डीजीपी को राजभवन तलब करते हैं, तो सीएम हेमंत सोरेन इतना ही सुनते भड़क जाते हैं और वह मीडिया के माइक को AK-47 बताते हैं, तो वहीं मीडिया के कैमरे को दूरबीन बताते हैं। इतना ही नहीं, मीडिया जब उनसे सवाल करती है तो वह भड़क जाते हैं और कहते हैं कि आप पत्रकारिता छोड़ दें। आखिर सीएम हेमंत सोरेन क्यों भड़क रहे हैं और वह क्यों इतने तीखे तीखे जवाब दे रहे हैं, आप ही सुनिए। राज्यपाल ने कल हाईकमान को मतलब पुलिस को तलब किया था। देखिए, आज यहाँ हम लोग रक्तदान शिविर में शामिल होने आए हैं और हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप को प्रोत्साहन करने हेतु हम लोगों ने भी अपनी रक्तदान दिए की है। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जितना ये जो AK-47 लेके आप लोग खड़े हैं ना, और ये दूरबीन लगा के जो खड़े हैं, आप सब लोगों से मेरा भी निवेदन होगा कि आप लोग भी रक्तदान में हिस्सा लें। सर, अभी क्या स्थिति है, क्या कार्रवाई हो रही है, हिंसा पर बोल दीजिए। क्या क्या बोल दें, मतलब आप लोग क्या चाहते हैं बोलवाना? आप लोग चाहते क्या हैं कि पेट्रोल डीजल लेके निकल जाए क्या? क्या चाहते हैं? आपने कहा आवेश में गलतियां हो जाती है, मतलब नहीं समझ में आया आपको? नहीं सर। तो आप छोड़ दिए पत्रकारिता।